देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बताते हुए उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की तरह काम करने को लेकर NSUI के छात्रों ने रीवा के TRS कॉलेज में पुतला दहन किया। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के दम पे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे दादागिरी। वहीं दूसरी ओर रीवा के शिल्पी प्लाजा मुख्य बाजार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। आगे करके बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा। भाई ना आगे आए इधर से नहीं, इधर से नहीं, कैमरा बीच में आ जाए। मर गया, मर रहे भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के उस बयान से अच्छी खासी नाराज नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा था प्रदेश शराबियों का प्रदेश। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कल मध्य प्रदेश को शराबी प्रदेश कहा है, मध्य प्रदेश को शराब का प्रदेश कहा है, शराबियों का प्रदेश कहा है, या मध्य प्रदेश की संपूर्ण 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, हमारे युवा साथियों का अपमान है, हमारे भाइयों का अपमान, हमारी माताओं का अपमान है, हमारी बहनों का अपमान है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक सांस्कृतिक प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक युवाओं का प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक प्रतिभाओं का प्रदेश है, और मध्य प्रदेश आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा विकास करने वाला प्रदेश है, और ऐसे प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहना कहीं ना कहीं उनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। इसको विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जिले भर के कार्यकर्ताओं ने आज उनकी अर्थी यात्रा निकाल कर उनका पुतला दहन किया है और मांग की उनको मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। रैली भी निकाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पर उसका विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। हम जनता के लिए खड़े हैं और जनता का अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन रूप उनकी अर्थ यात्रा निकाली और उनका उनका पुतला दहन किया है। पूरे प्रदेश के सभी जिला केंद्रों में, सभी मुख्यालयों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जनता को जनार्दन के रूप में देखता है, और जनता के अपमान स्वरूप आज पूरे प्रदेश भर में हमने कमलनाथ जी का पुतला दहन किया है, उनकी अर्थ यात्रा निकाली और तरह तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं। और ये प्रदर्शन जब तक वो कांग्रेस के कमलनाथ या उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सोनिया गांधी नहीं,
हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम मात्र के हैं, सोनिया गांधी के सारे सब होता है, या तो सोनिया गांधी या कमलनाथ स्वयं माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर NSUI के जिला उपाध्यक्ष और TRS कॉलेज के NSUI इकाई के अध्यक्ष का साफ तौर से कहना था, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के राजा होते हैं, पूरी जनता के साथ उनका एक समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन वो केवल भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के छात्र नेताओं के साथ आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। अभी वर्तमान में एक घटना हुई है, पवन खेरा जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो आज छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होना है कांग्रेस का, उसके लिए आ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाह की सरकार है वो हमारे नेता को गिरफ्तार करती है, बीच में जहाज को रोककर उनको गिरफ्तार कर 2 घंटे सड़क में बैठाती है। हम पूछना चाहते हैं कि ये तानाशाह की सरकार कब तक चलेगी, ये तानाशाह सरकार कब तक चलेगी। ईडी ने जब हमारे छत्तीसगढ़ के विधायकों के ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा, जब ये अधिवेशन सफल ना हो इसके लिए इन्होंने ये लोग जबरदस्ती का दबाव बनाकर कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अधिवेशन सफल ना हो। हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही रवैया अपनाना बंद करें भारतीय जनता पार्टी। हम लोग कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये तानाशाह सरकार को होश में लाने के लिए हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है, और आगे अगर इसी तरह होता रहा तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। इनको ये समझना चाहिए, खुद सरकार में बैठे हैं, लगातार इनके खिलाफ एक तानाशाह रवैया अपना गया, उसके बाद भी ये विपक्ष का पुतला जला रहे हैं, तो आप समझ जाइए कितने मजबूत हैं, कितना इनके ऊपर है। इसका जवाब जनता सब देख रही है, इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव 23 और 24 में दोनों का जवाब जनता दे देगी। आज आपने किसका पुतला दहन किया? आज हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। नाम पंकज उपाध्याय है, TRS कॉलेज के NSUI अध्यक्ष। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है, क्योंकि आज देश के राजा प्रधानमंत्री जो है वो देश का राजा होता है, जो पूरे देश में राज कर रहे हैं, और उनका काम है अनुशासन बनाए रखना, सबके लिए एक अधिकार, सबके लिए बराबर का अधिकार रखना। पर वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, और सिर्फ सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे CBI हो, चाहे CID हो, सबका दुरुपयोग कर रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस नेताओं के, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उनके मंत्रियों के घर छापा मरवा रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? उनके घर पर क्यों आप छापा नहीं मरवाते हैं? उनके घर पर आप ED का छापा मरवाइए, उनके घर पर आप CBI का छापा मरवाइए। पवन खेड़ा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या उनके मुँह से बस एक शब्द उनके पिताजी का नाम निकल गया था? तो नरेंद्र मोदी जी भी तो कह चुके हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? मैं पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री एक गरिमा माई पद पर हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? रवि सुमित सिंह, NSUI जिला उपाध्यक्ष। तो देखा आपने किस तरीके से दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां की लड़ाई धीरे धीरे पुतला दहन पर आ गई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरीके की रोचक खबरें काफ़ी तेजी से बढ़ जाएंगी, विवादित खबरें काफ़ी बढ़ जाएंगी। हम कोशिश करेंगे वो पहलू आपको दिखाने का जो सच हो, जो किसी ने कहा हो।